तरीके से आए और आप खुद देख रहे हैं कि हर चीज़ नॉर्मल है। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हमला किया था, उस हमले को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया, और नाकाम नहीं बना बल्कि किसी किस्म के उनके मकासद को पूरा नहीं होने दिया। अमूमन जब इस तरह के अटैक होते हैं तो मार्केटें बंद कर दी जाती है, अफरा तफरी हो जाती है, लोग भाग रहे होते हैं, तो सिक्योरिटी फोर्स, स्टॉक एक्सचेंज और हमारे स्टेक होल्डर, एजेंट हजरात और क्लाइंट, हमने उनमें किसी किस्म का कोई पैनिक नहीं देखा। और इस वक्त आप खुद देख रहे हैं कि लोग नॉर्मल ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप यहाँ आए होंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा कि इस वक्त यहाँ कोई इवेंट हो चुका है। तो मैं ये समझता हूँ इसके लिए सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और हम समझते हैं कि अगर हम में इसी तरह का जज्बा रहा तो दुश्मन कभी भी हमारे खिलाफ़ कामयाब नहीं हो सकता। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पड़ोसी मुल्क के इंटरनल हालात अपने बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए वो पाकिस्तान में मुसलसल हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई दहशतगर्दी फैलाना चाहता है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने हमेशा उनको नाकाम बनाया है। और मैं समझता हूँ कि आज उनके मुँह पर जो तमाचा लगा है, अब इनको अकल चाहिए, क्योंकि ये दहशतगर्दी मसले का हल नहीं है। अगर इशू होते हैं तो टेबल पे ज़्यादा बेहतर हल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनके अपने इंटरनल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी इकोनॉमी कंडीशन बहुत ख़राब है, तो वो पाकिस्तान को हिट करने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से आज पाकिस्तानी कौम एक होकर खड़ी हुई है, जिस तरह हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने इस हमले को नाकाम बनाया है, मैं समझता हूँ दुश्मन को आने वाले दिनों में अब इस तरह की कोई हरकत करने की का मौका नहीं मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि हम सब मिल के इस दहशतगर्दी का मुकाबला करें और किसी भी सूरत में इनको कामयाब न होने दें, यही हमारा जवाब है।